सहारनपुर अपने बेटों से परेशान होकर बुजुर्ग माता पिता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बेटे पर कार्यवाही की मांग। आपको बता दें कि सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची बुजुर्ग महिला और उसके पति ने एसएसपी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 8 बेटों में से 3 बेटे उनकी सारी जमीन को हड़पना चाहते हैं और बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट कर घर से निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। बुजुर्ग ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने 3 बेटों पर कार्यवाही की मांग कर रही है। मेरा नाम यासीन है साहब। यासीन जी, क्यों यहां पर आए हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जी, हमारा लड़का जो है वो हमारे घर जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है और मेरे 8 लड़के हैं, उनको किसी को कुछ नहीं देना, हमारे 3 के नाम करो सब कुछ और घर पर जमीन पर कब्जा करता, हमें घर में जो है मारता पीटता है और जनाब पेड़ वेड़ भी काट लिए, फसल भी काट ली। मेरे सिर जो है 6 लाख रुपए कर्जा है बैंक का, मैं उसकी किस्त भी नहीं दे पा रहा हूँ, उसका ब्याज भी नहीं भर पा रहा हूँ और खान पीन से भी परेशान हूँ मैं, दवाई के लिए परेशान हूँ। 4-5 हज़ार रुपये महीने की शुगर की हार्ट की दवाई आती है, उससे भी परेशान हूँ मैं, बिल्कुल फकीर हो चुका हूँ और तमाम मेरे बच्चों को और उनको बीवी को भी मारता है। 14-15-7 को भी 2022 को ही मेरी बीवी और मेरे साथ मारपीट की थी, जिसकी एनसीआर मैंने देहात कोतवाली में कराई थी और थाना चिलकाना में भी मैं गया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मैंने मुख्यमंत्री तक पोर्टल पे भी इधर उधर बहुत दरख्वास्त दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। और अब 13 तारीख को मेरे घर में घुसकर मुझे व मेरी बीवी और मेरे लड़के की बहू को मारा, मेरे लड़के को भी मारा, हम 3 आदमी घर में थे और हमारे घर में घुस के इन्होंने मारा हमें। कान पे क्या हुआ? कान काट दिया मेरा, ये मेरा कान काट दिया और मारा लाते मुखिया जी, पता नहीं यहाँ क्या मारा है, कटहल सा था हाथ में। अब हम कप्तान साहब के यहाँ मदद के लिए आए, इन्होंने हमारे खिलाफ 354 का मुकदमा लिखवाया, सगुफ्ता वगैरह को मारपीट की, पेट में लाते मारी और उसमें जो है अब हम मदद को आए हैं कि हमारा भी मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जावे, हमारे भी चोट है, हमारी बीवी की और मेरी एनसीआर चल रही है पहले से, उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगवा दी और तमाम रिपोर्टें यूँ कहता है कि पुलिस में मेरा इतना रस्सा रसूख है, मेरी कोई जो है कुछ नहीं कर सकता, मेरा इतनी नेतागिरी है। ये बीडीसी है मौजूदा और बीडीसी होने की वजह से सियासी बल मिल रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।